जापान की 5 दिन की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्योटो में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने आगवानी की। क्योटो की तर्ज पर वाराणसी के विकास के लिए वहां के मेयर और भारतीय राजदूत के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से दोनों देशों को फायदा होगा। पार्टी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत और जापान के रिश्ते मजबूत होंगे और कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि भारत के जापान के साथ पहले से ही बेहतर रिश्ते हैं, ऐसे में देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से क्या निकल कर आता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार कारोबार करने को आसान बनाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि इस दिशा में महत्वपूर्ण क्षेत्रों को खोला गया है, जबकि ज्यादातर क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्र के व्यय को बरकरार रखते हुए निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 100 दिनों में जो निर्णय लिए गए हैं उनका दीर्घकालिक प्रभाव धीरे धीरे महसूस होगा। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर मुद्रास्फीति में नरमी आई है, विनिर्माण क्षेत्र में भी स्थिति बदल रही है। देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के दीक्षांत समारोह में वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि युवा देश की शक्ति हैं और इस बार चुनाव में युवाओं ने अहम भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी देश का भविष्य आने वाली पीढ़ी पर निर्भर करता है। मशहूर इतिहासकार विपिन चंद्रा का आज निधन हो गया। वह 86 साल के थे। परिजनों ने बताया कि उन्होंने अपने गुड़गांव स्थित घर में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपिन चंद्रा के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर अदालत ने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उन पर यह जुर्माना भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में पेश नहीं होने पर लगाया गया। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी पर आप नेता कुमार विश्वास को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए जाने की पेशकश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विश्वास को यह पेशकश पार्टी के 18 विधायकों को भाजपा में शामिल करने के बदले की गई थी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आप नेता कुमार विश्वास के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि अगर वे किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो उसके नाम का खुलासा करें। जयपुर पिंक पैंथर्स ने कल प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स को 38-18 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पैंथर्स की टीम शुरुआती मिनटों में 1-4 से पिछड़ रही थी, लेकिन इसके बाद टीम पूरे मैच में छाई रही।